हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 8 कॉमन मिस्टेक्स यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि साइकोलॉजिकल मिस्टेक है और जो कि एक रिटेल ट्रेडर यहां पे कंटिन्यूअसली करता रहता है इन द बिगनिंग स्टेज। बिगनिंग स्टेज मीन्स दैट मीन्स जहां पे उसे ट्रेडिंग यहां पे स्टार्ट की है, साइकोलॉजी में वो इंटरेस्टेड नहीं रहता। ही इज ओनली इंटरेस्टेड टू अर्न मनी इन द मार्केट। तो एक बात यहाँ पे समझ लीजिए फ्रेंड, बिना साइकोलॉजी समझे यहाँ पे पैसा कमाना तो आसान है, पर उस पैसे को रोक पाना काफी मुश्किल है और वो पूरा पैसा यहाँ पे गवा देते हैं और ये साइकिल कंटिन्यूअसली यहाँ पे चलती रहती है और ट्रेडर को यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो पैसा तो कमा पा रहा है पर उस पैसे को यहाँ पे रोक नहीं पा रहा है। इन द सेंस यहाँ पे वो एक एक महीना भी प्रॉफिटेबल रह सकता है, पर एक दिन ऐसा आता है जहां पे पूरा का पूरा प्रॉफिट उसका मार्केट ले लेती है। तो ये क्यों हो रहा है उसके साथ? बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजिकल मिस्टेक, जो कि कॉमन है और एक हर एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पे इसको रिपीटेडली करते आ रहा है। तो फर्स्ट इसमें है होल्डिंग अ लॉस मेकिंग ट्रेड। तो यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, आप भी देख लीजिए अपने अंदर। आप भी ये गलती अगर अब नहीं कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में आपने जरूर यहाँ पे ये की होगी और ये काफी बड़ी मिस्टेक यहाँ पे है। जब हम एक लॉस मेकिंग ट्रेड को होल्ड करके बैठ जाते हैं, दैट मीन्स हमने कोई यहाँ पे ट्रेड पकड़ी, फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे कि इस ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, दिस इज द चार्ट ऑफ इंडिया वीक्स का चार्ट है यहाँ पे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, सपोज आपने बाई साइड की यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ ली यहाँ पे कि इस ट्रायंगुलर या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे ये टारगेट देगा। तो एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा, जब ये ट्रेड उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जाने लगेगी तो इसे होल्ड करके वो बैठा रहेगा, अपना लॉस बुक इसमें वो नहीं करता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल ही इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर यहाँ पे लॉस कट के लिए। उसने अपने माइंड को प्रिपेयर कर ही नहीं रखा है। उसकी थिंकिंग क्या है यहाँ पे, वो क्या सोच के आया है कि मुझे मार्केट से प्रॉफिट यहाँ पे कमाना है, जबकि इसका रिवर्स यहाँ पे सोच के आना है कि अगर लॉस हुआ तो मार्केट को कितना देना है, कहाँ पे मेरे को एग्जिट करना है। और एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, किसी भी लेवल पे सपोज यहाँ पे उसने बाई इनिशिएट करा तो वो होल्ड करके रखेगा बिल्कुल लास्ट स्टेज तक, जब तक उसका कैपिटल यहां पे 90% या 100% वाइप आउट नहीं हो जाता। अपने आप से वो कभी एग्जिट लेता नहीं है। एग्जिट लेगा, इंट्राडे ट्रेड है तो मार्केट जब तक उसे अपने आप मार्केट से आउट नहीं कर देती, दैट इज मार्केट का टाइम ओवर नहीं हो जाता। और पोजिशनली होल्ड करके रखा है तो जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती तो वो होल्ड करके उसको यहां पे रखता है। तो ये याद रखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, होल्डिंग अ लॉस मेकिंग ट्रेड। सेकंड क्या है जो कॉमन मिस्टेक यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर करता है, एवरेजिंग आउट अ लॉस मेकिंग ट्रेड। एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है यहाँ पे, जब वो लॉस यहाँ पे होने लगता है तो वो उस लॉस को क्या करता है, एक तो मतलब एग्जिट उसको करना ही नहीं है, उसका माइंड यहाँ पे प्रिपेयर नहीं है, तो वो क्या करता है, सपोज 100 रुपए पे यहाँ पे बाइंग करी है, 80 रुपए पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो वो फिर एवरेज आउट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे 80 पे एवरेज आउट करेगा, फिर यहाँ पे 60 पे आ जाएगा, देन 60 पे एवरेज आउट करेगा, फिर यहाँ पे 40 पे आ जाएगा, 40 पे एवरेज आउट करेगा। और उसका एवरेज आउट करने का पर्पस यहाँ पे क्या है कि जो 100 में उसने यहाँ पे बाइंग करी थी उस रेट को यहाँ पे कम लेके आना। तो एवरेज आउट वो करते रहेगा, सपोज एवरेज आउट करते करते 70 पे वो प्राइस को लिया है जबकि मार्केट ट्रेड कर रही है 40 पे यहाँ पे, तो 40 पे ट्रेड कर रही है, 70 पे वो एवरेज आउट करके ले आया, उसमें उसको ह्यूज लॉस यहाँ पे होने वाला है। उसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्योंकि एवरेज आउट में उसने यहाँ पे मोर देन हिज एबिलिटी यहाँ पे क्वांटिटी उसने ऐड कर ली है, यहाँ पे 4 times 3 times उसने क्वांटिटी ऐड कर ली है, जबकि इसी पोजीशन में जहाँ पे एंट्री उसने 100 पे ली थी तो यहाँ पे 80 का अगर स्टॉप लॉस वो डिसाइड करके रखता कि मेरे को मार्केट से इतना लॉस लेना है, तो यहाँ पे
80 पे वो एग्जिट कर लेता 20 पॉइंट का यहाँ पे लॉस लेके, तो यहाँ पे छोटा सा ही लॉस होता उसको, और एवरेज आउट करते करते उसे एक इतना बड़ा यहाँ पे लॉस हो जाता है जिसे रिकवर करना भी काफी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे, फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग में यहाँ पे क्या होता है, मार्केट डेली यहाँ पे आपको मोमेंटम दिखाता रहेगा, एक्सपायरी भी आती है, और अब तो मंडे टू थर्सडे, मंडे टू फ्राइडे ही एक्सपायरी आती है। उस एक्सपायरी में डेली आप मूवमेंट देखोगे कि यहाँ पे अगर 10 रुपए पे बाई कर लिया होता तो 120 चला गया होता, 10 रुपए पे बाई कर लिया होता तो 220 चला गया होता। तो डेली ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या है, फोमो में एक ट्रेडर आ जाता है कि मुझे यहाँ पे डबल ट्रिपल करके ही जाना है, तो ऐसा यहाँ पे हो नहीं पाता, और एक बार ये दिमाग में बैठ जाता है कि डबल ट्रिपल ही मेरे को करना है। तो इस चक्कर में यहाँ पे डबल ट्रिपल के चक्कर में 10 out of 8 टाइम्स वो यहाँ पे लॉस करेगा, और दो बार वो ट्रेंड को पकड़ भी लेगा तो उस पूरे ट्रेंड को राइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी वो ज्यादा ट्रेड करेगा, छोटी क्वांटिटी ट्रेड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपना प्रीवियस लॉस यहाँ पे रिकवर करना होता है। तो फोमो ट्रेडिंग यहाँ पे काफी खतरनाक है न्यू ट्रेडर्स के लिए, इसे अवॉइड करेंगे तभी यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बन पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड, सोशल मीडिया प्रॉफिट एंड लॉस। सोशल मीडिया फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, फेसबुक और ये दिस एंड दैट, टेलीग्राम चैनल और ये सब वो ज्वाइन करके रखते हैं, और डेली उसमें देखते रहते हैं कि इस बंदे को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसको 25 लाख का हुआ, इसको ये हुआ, उसको वो हुआ, और वो अपने मतलब एबिलिटी को ना देख के कि डेली मतलब कितना वो इनपुट दे रहा है, इनपुट मींस कितना कैपिटल उसमें लगा रहा है 50,000, तो उसमें कितना रिटर्न उसका एक्सपेक्टेड है वो ना देख के वहां पे वो देख रहा है कि उसने 1 लाख कमाया, उसने 25 लाख कमाया, तो इसी चक्कर में वो क्या करता है, सपोज 50,000 उसने यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किया है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो उस 50,000 को डेली वो यहाँ पे डबल बनाने के चक्कर में रहता है, और इस डबल ट्रिपल के चक्कर में यहाँ पे वो अपना पूरा कैपिटल यहाँ पे देके बैठ जाता है। काफी बुरा इफेक्ट होता है सोशल मीडिया का, क्योंकि डिफरेंट चैनल्स आप वॉच यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है शो कर रहे हो बड़ा चढ़ा के, और लॉस आपको दिखाई ना रहे हो। तो जब तक आप लॉस उनका नहीं देखेंगे, सपोज 1 लाख वो कमा रहे हैं, अगले दिन 2 लाख का लॉस कर दिया, 4 लाख का लॉस कर दिया, वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, तो आपके माइंड में यही चल रहा है कि ये बंदा डेली यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है, Why I am not earning in this market? तो इस चक्कर में आप यहाँ पे फोमो में आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं, और साइकोलॉजी को फिर एक साइड में आप कर देते हैं, और या इसे हम बोलेंगे ब्लाइंड गैम्बलिंग गेम। यहाँ पे ब्लाइंड गेम आप खेलने लग जाते हो कि डेली की डेली आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है विदाउट फॉलोइंग एनी साइकोलॉजी इन द मार्केट, जबकि मार्केट डेली आपको 10 से 20% का रिटर्न आराम से दे सकती है अगर ट्रेड को गैप में ले, छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पे ले, 3-4 ट्रेड ले, 5-5% का रिटर्न उसमें अर्न करने की कोशिश करें, तो 10 से 15% इजीली आप डेली यहां से कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इसमें है कि नो डे लॉस लिमिट इन द माइंड। जब वो मार्केट में यहाँ पे आके बैठते हैं जो बिगनर ट्रेडर है यहाँ पे, तो वो लॉस को डिसाइड करके माइंड में नहीं आते, और ये काफी और कॉमन मिस्टेक है ट्रेडर की। जब तक आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे यहाँ पे बैठ रहे हैं और माइंड में यहाँ पे डिसाइड करके नहीं आ रहे हैं कि दिन के दौरान आप यहाँ पे कितना लॉस ले सकते हैं, तब तक यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना आप भूल जाइए। उसके बिहाइंड में रीजन बता देता हूं क्यों मैं बोल रहा हूं भूल जाइए, क्योंकि जब तक लॉस लिमिट आपकी डिसाइडेड नहीं है, आप 50,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका 5,000 भी लॉस हो सकता है, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप 10,000 का लॉस भी कर सकते हैं, 15 का कर सकते हैं, 20 का, 40 का, कितना भी लॉस यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपने डे लॉस लिमिट यहाँ पे डिसाइड ही नहीं करी है और आप यहाँ पे बड़े बड़े लॉस डेली करते रहेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है रिकवरी ऑफ लॉस। तो रिकवरी ऑफ लॉस कब आती है, जब आपने डे लॉस लिमिट यहाँ पे डिसाइड नहीं की होती। सपोज आपने डेली 2,000 का लॉस यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, तो
जैसे ही आपकी डे लॉस लिमिट यहाँ पे रीच होगी तो आप यहाँ पे अपने सेटअप को क्लोज कर दोगे और उसको रिकवरी के लिए यहाँ पे ट्राई नहीं करोगे। और जब तक डे लॉस लिमिट आपकी सेट नहीं है तो आप उस लॉस को जो सपोज 2000 का हो गया उसको रिकवर करने के लिए अगेन एक बड़ी ट्रेड लोगे, फिर उसमें लॉस करोगे, फिर उसे रिकवर करने के लिए और बड़ी ट्रेड लोगे तो उसमें फिर से लॉस करोगे। इस तरीके से लॉस बढ़ते बढ़ते आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर आपको यहाँ पे मेंटली टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा 6 पॉइंट था। 7th पॉइंट है इसी से रिलेटेड, कैपिटल एड ऑन। कैपिटल एड ऑन क्या है? जब आपने एक लॉस कर दिया, डे लॉस कर दिया, डे लॉस लिमिट आपकी डिसाइडेड नहीं है, लॉस आपने बड़ा यहाँ पे कर दिया, मोर देन योर कैपिटल, यहाँ पे सपोज 50,000 कैपिटल है, 40,000 का लॉस कर दिया, तो अब आप क्या करते हैं, उस 40,000 को रिकवर करने की तैयारी यहाँ पे शुरू कर देते हैं और कैपिटल यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो भी आपके अवेलेबल सोर्सेज होंगे वहां से। सपोज सैलरीड पर्सन है तो सैलरी से, एफडी है तो एफडी से, या उधार लेके, लोन लेके यहाँ पे आप कैपिटल एड ऑन करना स्टार्ट करते हैं। और फिर ये उससे भी बड़ी गलती हो जाती है कि डायरेक्ट आप 40,000 के लिए यहाँ पे ट्रेड लेने जा रहे हैं और 40,000 को रिकवर करने की कोशिश आप करते हैं, तो उसमें चांसेस है आप वहां पे और 40,000 गवा बैठे, फिर वो लॉस आपका बढ़ के हो जाता है 80,000। तो कैपिटल एड ऑन की गलती हमें बिल्कुल यहाँ पे नहीं करनी है। 8th यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक है, ट्रेडिंग इन ऑल टाइप ऑफ मार्केट। यहाँ पे किसी भी तरीके के मार्केट हो फॉर रिटेल ट्रेडर, चाहे बुलिश मार्केट हो, चाहे बेयरिश मार्केट हो, चाहे साइडवेज मार्केट हो, चाहे इवेंट बेस्ड मार्केट हो, चाहे न्यूज बेस्ड मार्केट हो, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे जो बिगनर ट्रेडर है ये कॉमन मिस्टेक करता है कि सेम क्वांटिटी से हर रोज यहाँ पे ट्रेड करते रहता है, वो एक भी दिन यहाँ पे ट्रेडिंग को अवॉइड नहीं कर सकता है। और ये काफी बड़ी मिस्टेक है कि एक क्वांटिटी से हर एक तरीके की मार्केट में वो कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है कि वो यहाँ पे एक बड़ा लॉस कर बैठेगा। तो फ्रेंड्स ये थी 8 कॉमन मिस्टेक्स जो कि एक बिगनर ट्रेडर या रिटेल ट्रेडर यहाँ पे कर देता है और अपने कैपिटल को वाइप आउट कर देता है। तो फ्रेंड्स 8 कॉमन मिस्टेक्स ये आप नोट कर लीजिए और इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करिए और रिजल्ट आप देखिए, इसका रिजल्ट काफी अच्छा आपको मिलेगा। एक बार इन द एंड मैं रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ क्या क्या ये कॉमन मिस्टेक्स हैं 8। फर्स्ट है होल्डिंग अ लॉस मेकिंग ट्रेड, सेकंड है एवरेजिंग आउट अ लॉस मेकिंग ट्रेड, थर्ड है फोमो ट्रेडिंग, फोर्थ है सोशल मीडिया, जो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये डिफरेंट सोशल मीडिया ये हो गए, फिफ्थ हो गया नो डे लॉस लिमिट इन माइंड, मतलब डे लॉस लिमिट वो डिसाइड करके ही नहीं चलता। 6th पॉइंट रिकवरी ऑफ लॉस ऑन सेम डे, और 7th पॉइंट हो गया कैपिटल एड ऑन फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ लॉस, 8th पॉइंट हो गया ट्रेडिंग इन ऑल टाइप ऑफ मार्केट। तो फ्रेंड ये थी 8 कॉमन मिस्टेक्स जो कि एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पे करता है और अपना पूरा कैपिटल यहाँ पे गवा बैठता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।